दोस्तों, सेविंग करना और उससे निवेश करना, अगर आप ये स्टार्ट करते हैं और आपका टारगेट है कि आपको कम पैसों से सेविंग करके एक बड़ा फंड बनाना है, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर आप मंथली बेसिस पर सेविंग करते रहने से एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को बहुत आसानी से और जल्दी पूरा कर सकते हैं। फ्यूचर के आपके सबके गोल ज़रूर होंगे, चाहे से आपको एक घर बनाने की बात हो या फिर आपका कोई और बड़ा टारगेट है जिसके लिए आपको एक बड़े फंड की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं। 20-25 हज़ार रुपये आपकी इनकम है, चाहे से आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आपका फ्यूचर का ये प्लान है कि यहाँ पर इसी पैसे से थोड़ी बहुत सेविंग की जाए और इसे निवेश करते रहने से हम एक बड़ा फंड बना सकें। तो दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आज के टाइम में सबसे बेहतरीन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड प्लान का। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आप हर महीने सेविंग करते रहने से थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते जाइए और आपको एक बड़ा फंड मिल जाएगा, जो भी आपका टारगेट है। हम लाखों रुपए या फिर हजारों रुपए की बात नहीं कर रहे। अगर आप मंथली बेसिस पर सेविंग कर लेते हैं सिर्फ दोस्तों 2,200 रुपये, यानी कि 2,200 रुपये मंथली, और आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के एक बेहतरीन प्लान के अंदर, तो आप जानते हैं कि इस प्लान से आप 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बना सकते हैं इस 2,200 रुपये मंथली सेविंग से ही। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप निवेश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको 4,500 से ज्यादा प्लान मिलते हैं जिसमें आप पैसे को निवेश कर देते हैं। लेकिन उसमें से सही प्लान और बेस्ट प्लान अगर आप पिक करते हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड के एक बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे प्लान में पैसे को निवेश करेंगे जहाँ पर रिटर्न आपको कम मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेश कर रहे हैं, तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। इसलिए आप ऐसे प्लानों में पैसे को निवेश करें जिसके अंदर रिस्क भले ही आपके पैसे पर हो, लेकिन आपको लगातार रिटर्न काफ़ी बेहतर मिल जाए। हम बात कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप कैटेगरी के प्लान को पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी पैसा है वो इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किया जाएगा, जिससे आपके पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर हम इंडेक्स की बात कर लें, तो पिछले कुछ साल से इस इंडेक्स ने रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त किया है, और बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक हैं जिनका रिटर्न लगातार काफ़ी बेहतर है। यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर हम इक्विटी के अंदर पैसे को निवेश करते हैं, और खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉकों में, तो हमारे पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। और अगर हमारा टारगेट है कम पैसे निवेश करने का और उससे एक बड़े फंड बनाने का, तो इसे आप आसानी से पूरा कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, लगातार म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों ने पैसा निवेश किया है। पिछले 10 साल में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें AUM की, तो वो 50 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है, और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर की है, यानी कि आम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर उन्हें जो रिटर्न है वो किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम के मुकाबले 4 से 6 गुना ज्यादा मिला है। तो दोस्तों, HDFC के जिस धाकड़ फंड की हम बात करने वाले हैं, हम देखेंगे इस प्लान की पूरी डिटेल्स और कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे आप 2,200 रुपए मंथली निवेश करते रहने से 5 करोड़ 13 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, HDFC के जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, यह है HDFC का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, यहां पर जो भी पैसा है इस प्लान का, वो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक हैं उनके अंदर ही पैसे को निवेश किया गया है। जबकि दोस्तों, अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहां पर इस इंडेक्स का रिटर्न भी पिछले 2 साल से काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, और आने वाले टाइम में दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि अगर हम स्पेशली इस फंड की बात करते हैं, तो ऑल टाइम में फंड ने रिटर्न दिया है शानदार 21.22% का, और दोस्तों ये कंपाउंड रिटर्न है। जबकि पिछले 5 साल में इस फंड का रिटर्न 24%, लास्ट 3 ईयर में 32%, लास्ट 1 ईयर में 54%, या फिर इसके अलावा यहाँ पर 2021 और 22 के अंदर एक करेक्शन देखने के लिए मिला, या फिर अभी शॉर्ट टाइम में 2024 के अंदर भी एक करेक्शन देखने के लिए मिला है। दोस्तों, इस चीज़ से एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन भले ही हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड रिटर्न आपको काफ़ी बेहतरीन मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान के अंदर पैसे निवेश करते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू 2,200 रुपये मंथली, और आपको एवरेजन सिर्फ 20% का रिटर्न मिल जाता है आने वाले टाइम के अंदर, तो इससे आप कैसे 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इस फंड की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी ट्रैक करेंगे। आप दोस्तों स्टार्टिंग सिर्फ 5 साल तक SIP कंटिन्यू करते हैं 2,200 रुपये यानी कि 2,200 रुपये की, और आपको रिटर्न मिलता है लगातार 5 साल तक कंपाउंड 20% का। तो 5 साल में SIP के थ्रू आप 1,32,000 रुपये निवेश करके कुल बना सकते हैं 2,27,000 रुपये का फंड, जबकि इसमें रिटर्न होगा 95,599 रुपये। लेकिन अगर आप 10 साल तक पैसे को निवेश करते हैं,
तो 2,64,000 रुपए SIP के थ्रू आप निवेश करके 5,77,200 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और 8,41,200 रुपए का इसमें एक बड़ा रिटर्न भी होगा और आपके पास 8,41,200 रुपए का एक बड़ा फंड होगा। लेकिन दोस्तों 15 साल के अंदर आप SIP के थ्रू निवेश करेंगे कुल मिलाकर 3,96,000 रुपए और आपके पास होंगे 24,95,000 यानी कि रिटर्न होगा 20,99,000। अगर हम 20 साल की बात करते हैं तो 2,200 रुपए मंथली निवेश करते रहने से आप 5,28,000 रुपए का निवेश करके कुल 69,55,000 रुपए का फंड बना सकते हैं और 64,27,000 का इसमें रिटर्न होगा। जबकि दोस्तों 25 साल तक अगर हम बात करते हैं तो आप 6,60,000 रुपए का निवेश करते रहने से कुल 1,89,758 रुपए का फंड बनाएंगे और 1,83,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों 30 साल तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7,92,000 रुपए यानी कि 2,200 रुपए मंथली SIP से निवेश करते रहने से आप 5,13,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं NAV नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की, तो यह है 139 रुपए यानी कि NAV का जो भी प्राइस होता है और जो भी आप पैसा निवेश करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से आपको यूनिट लॉट की जाती है, फंड की रेटिंग 2 है, जबकि 25,598 करोड़ रुपए फंड का UM है यानी कि इतने पैसे लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। जबकि मिनिमम SIP के थ्रू आप 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास 2,200 रुपए भी नहीं है और बाद में से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन से बाद में भी इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं होल्डिंग की तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो है 75 जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ई क्लेरक सर्विसेज, एस्ट्रल DM, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, कुटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, पावर टेक प्रोजेक्ट, यानी कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जिनके अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो को डिवर्सीफाई किया गया है अलग अलग सेक्टरों के अंदर, चाहे से हम बात कर लें यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर की या फिर कंस्ट्रक्शन की, यानी कि सारे ही सेक्टरों के अंदर पैसे को डिवर्सीफाई किया गया है जिससे फंड ने लगातार रिटर्न काफ़ी बेहतर दिया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं फंड के खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की, यह है 0.67%, यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काट कर आपको करंट NAV के पैसे लौट की जाती हैं जो कि एग्जिट लोड 1% है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब म्यूचुअल फंड में LPG टैक्स 10% होता है। 1,00,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पर एक साल में और एक साल से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो रिटर्न पर 15% का आपको टैक्स देना होता है। और दोस्तों अगर हम इस फंड की मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं तो फंड को चिराग 2014 और थोरूप 2023 से मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों HDFC के इस बेहतरीन प्लान के अंदर यानी कि HDFC स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर आप मंथली बेसिस पर 2,200 रुपए निवेश करते हैं, यहाँ पर आपका टारगेट है लॉन्ग टाइम निवेश करते रहने से, तो इससे आप 5,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार ज़रूर करना होगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म में बड़े ही करेक्शन हो, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बेहतरीन प्लान मिल जाते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।